नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए टोंक में नामांकन दाखिल कर दिया। पायलट हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। नामांकन भरने जाने से पहले पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद टोंक के सवाई माधवपुर चौराहे से रैली की शुरुआत की। इस दौरान रघु शर्मा समेत कई विधायक और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर ईडी की रेड और बेटे वैभव गहलोत को तलब करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहीं नहीं है, आप लोग जानकारी नहीं है, कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जितने दे दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, कुछ सोच समझ के नहीं दिया होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ, मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा और अब आगे और डेट दी उनको और रिक्वेस्ट वेबो करो तो की होगी। जैसे आप मुझे बता रहे हो, मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कानून अपना काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर, सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज क्या है, पीसी पेन के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे हुए ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस लेकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले का, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी पोस्ट होती है, हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के मैंने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, उन्हें पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहाँ पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव गांव में पहुंचा है रिएक्शन, इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो, कर्नाटक में हमने देख लिया, डीके शिवकुमार जी वो भी प्रदेश का अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 22 बार छापे पड़े वहाँ पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, कितने छापे डाल दे। अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा है, ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए, तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था, ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों नेताओं पर छापे क्यों पड़ते हैं, और जो विपक्षी नेता चला जाता बीजेपी के अंदर तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पाकशाह हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है। राजस्थान पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए राज्य में अभियान चला रखा है। शराब की धरपकड़ के लिए लगातार 30 घंटे ऑपरेशन मदिरा धर चलाया गया है। इस दौरान 6 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई है। दरअसल राजस्थान के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया गया था। चौमू उपखंड के चीतवाड़ी गांव में फूड कमिश्नर के निर्देशन में मंगलवार सुबह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है।
विभाग की चार टीमों ने चीतवाड़ी गांव में मावे की भट्टियों पर छापेमारी कर आधा दर्जन मावा भट्टियों से दूध मावा पनीर के सैंपल लिए हैं। वहीं इस कार्यवाही के बाद मावा भट्टी संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई मावा और दूध व्यापारी भट्टियां बंद करके फरार हो गए हैं। राजस्थान की योगी के नाम से मशहूर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ कल बुधवार को नामांकन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार से राजस्थान के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल भी होंगे। बालकनाथ को भाजपा ने तिजारा से विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक में 76 सीटों के पैनल और घोषणा पत्र पर मंथन भी होगा। बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड में इन नामों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न सीटों पर हो रहे विरोध को शांत करने घोषणा पत्र बड़े नेताओं की आगामी विधानसभा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही तीसरी सूची से पहले उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी होगा। भाजपा ने अब तक दो सूचियों में 124 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा महाराणा भोपाल सार्वजनिक चिकित्सालय में ब्लड बैंक के पास आरएनटी मेडिकल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर रोगियों के साथ आने वाले तीमारदारों को निशुल्क भोजन कराने के लिए भोजनशाला का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। सांचौर से बीजेपी कैंडिडेट देवजी पटेल के विरोध में जीवाराम चौधरी ने विरोध में शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ से बीजेपी कैंडिडेट नरपत सिंह के विरोध में चंद्रभान सिंह आक्या ने भी शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारतीय आदिवासी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। ये भारतीय ट्राइबल पार्टी से टूटने के बाद बनी है। पार्टी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। राजस्थान में अब तक दिन के साथ रात के तापमान भी बढ़ने लगा है। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण राजस्थान के ऊपर बने एक एंटी साइक्लोन और उत्तर भारत के ऊपर एक्टिव होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हो रहा है। इन दिनों सिस्टम के कारण उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं कमजोर हो गई हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।